बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन। अल्लाह के फजल करम और आप सब की दुआओं से हम खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्वारंटीन के डेज में हम लोग घरों में बंद हैं और बहुत बोरियत होती है। बच्चे जो है वो दिमाग खा जाते हैं, बच्चे तंग करते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके कुछ होता है, कुछ खाने को चाहिए। तो उस वक्त में माई जो है वो काफी परेशान घूमती है कि अभी तो खा के फारिग हुए थे, अभी क्या बना के दिया जाए, क्या बना के दिया जाए। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं घर में चिकन शावरमा बनाने का तरीका बताती हूँ। वैसे तो आई होप सबको आता ही होगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा इस स्टाइल से भी बना के देखिए कैसा लगेगा। पाकिस्तान में, दुबई में और अरब कंट्रीज में इसको शावरमा बोलते हैं और यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में इसको केबाब बोलते हैं। मैं इसके डिफरेंट टू वेज बताऊंगी आपको कि शावरमा प्लस केबाब कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं शावरमा बनाने के लिए और केबाब बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं जी साथियों, चिकन शावरमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें चिकन बोनलेस मैंने ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब है। और इसके स्पाइसेस जो हैं वो है, नमक है, सुर्ख मिर्च जो आम खाने में डालते हैं, ये तंदूरी मसाला है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नमक लगाएं, मिर्चें लगाएं और ज़ीरा और सूखा धनिया जो सा कूट के अगर वो है तो लगा दें, तो अगर वो भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नमक और मिर्च लगा दें, ठीक है। अगर फूड कलर है तो थोड़ा सा, ये मैंने रेड फूड कलर लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है। अगर ये चीज़ें घर में मौजूद हैं तो आप इसमें डाल दें, फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ठीक है। ये तो सिजलिंग के लिए हैं और उसमें फिर फिलिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हमें, मैंने प्याज जो है वो काट लिए इस तरह लंबा ज़रा करके, खीरे जो हैं वो भी मैंने इसी तरह लंबे प्याज की फॉर्म में काट लिए हैं, टोमेटोज जो से वो भी ऐसे ही काट लिए हैं, ठीक है। उसके साथ मैं ये रोटी लाई हूँ, टोटीलाज हैं जी। ये रोटी ख़ास तौर पे, ये वैसे तो घर में जो चपाती बना के छोटी छोटी सी तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली टोटीलाज जो हैं ये बने हुए मिलती हैं, तो पाकिस्तान में पीटा ब्रेड मिलती है और टोटीलाज भी मिलती हैं मेरा ख्याल है, तो उनसे हमने ये बनाना है। साथ में फ्रेंच फ्राइज भी बनाएंगे हम, ठीक है। ये फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूँगी बाद में, तो फिर अभी चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। ये चिकन को मैंने डाल के तो सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो मैरिनेट किया था वो मैंने सारा जो है ये बेकिंग ट्रे में डाल दिया है फोर के लिए, फोर में लगाने के लिए ओवन में, तो मैं इसे लगाती हूँ। शावरमा के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो फ्राइज कर लिए हैं जी। नाज़रीन, मैंने जो चिकन मैरिनेट करके फोर में लगाया था वो जब तैयार हुआ तो उसमें मैंने देखे ये बोटियाँ हैं, इनको मैंने मज़ीद छोटा कर लिया है। इसके साथ जो खीरे, प्याज और टमाटर कटे हुए थे वो मैंने सारा कुछ डाल के तो इन्हें मिक्स कर लिया है, ठीक है। ये बैटर से मैंने इकट्ठा से सारा कुछ मिक्स करके सैलड सा बना लिया है, चिकन सैलड ये अलग रख लिया है। ये हैं वो टोटीला जिनको मैंने अभी काटना है पैकेट को और रोटियों में मैंने भर के तो शावरमा बनाना है। साथ में मैंने थोड़े से ये कटे हुए ऑलिव्स हैं, साबुत हों, कटे हुए हों तो ये मज़ा आएगा, ना भी हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे पास थे तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। ये चीज़ है तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे वाले में आप चीज़ डालिएगा, अब्दुल्ला ने भी कहा चीज़ डालिएगा, तो उनके लिए मैंने चीज़ रख ली है। थोड़ा सा मैं इस बैटर के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो और स्प्रिंकल करती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये वापस रख दो, ठीक है। उसके साथ मैंने ये हॉट सॉस है मेरे पास, ये दही बड़ी पुदीने की चटनी है, ये मायोनीज़ है, ये केचप है। अब जिस जिसको जो जो पसंद होगा मैं वो वाली सॉस लगा के तो शावरमा बनाना शुरू कर रही हूँ। कुछ पैकेट जो है वो खोला है, मैं इसमें से रोटी निकाल लेती हूँ और उसमें फिर बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हॉट सॉस लगाती हूँ, जिसको भी चाहिए थोड़ी सी। मैं इसमें इस बंदे को दही वाली चटनी भी लगा के दूँगी, ठीक है। ये मैंने लगा दी है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये सैलेड जो बनाया है वो डालना है इसकी फिलिंग। उसके बाद मैंने इसमें फ्राइज रखने हैं, इसमें मैंने थोड़े से ये डालने हैं ऑलिव्स। उसके बाद मैंने ये डालना है और फिर मैंने इसको पकड़ के आराम से फोल्ड। ये हमारा शावरमा जो है वो रेडी है, लेते हैं। ये
जी नाज़रीन, ऐसे ही फिलिंग डालते डालते मैं सारों के लिए बना रही हूँ शवरमा, और ज़बरदस्त फिलिंग वाला। बाज़ार से तो आप लें तो उसकी फिलिंग ही नहीं इतनी हुई भी होती, लेकिन जब आप घर बना रही हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, ये इसने कहा कि मेरे लिए चीज़ डालना, तो इसकी ख्वाहिश की ये मैं चीज़ भी डाल रही हूँ साथ में, ठीक है ये। और ऊपर से मैं केचप इसमें डालती हूँ, इन्होंने कहा था ज़्यादा सी केचप डाल दें। ये बन गया जी नाज़रीन, मैंने सारे शवरमा जो है वो रेडी कर लिए हैं फैमिली मेंबर्स के लिए। अब मैं इनकी क्लोजिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं सर्व करूँगी और अब्दुल्ला को टेस्ट करवाएंगे कि उसे ये कैसे लगे हैं, ये देखिए। और हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, और आप लोग भी जल्दी से उठें और अपने लिए शवरमा बना लीजिए। अब्दुल्ला हाफ अप खाएँगे तो हम कट कर लेते हैं, बाकी सबको हम फुल देंगे। जो ये मेरे यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इनके क्या हैं, ये देखें माशाल्लाह फिलिंग के साथ। जी साथी, शवरमा हमारे रेडी हो चुका है, अब्दुल्ला भी टेस्ट करेंगे, बताते हैं कि कैसा बना है। जी अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का बना, फ्लेवर अच्छा है, सॉसेज मज़े कर रही हैं, ऑलिव तो और भी ज़्यादा मज़े कर रही हैं, ऑलिव मज़ा दे रही हैं। जी अब्दुल्ला को शवरमा जो है बहुत पसंद आया है। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं आपसे लास्ट में वही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और तमाम साथियों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।